औरैया में अब विश्व हिंदू परिषद ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर शरदोत्सव प्रदर्शनी 2021 के आयोजन की अनुमति नगर पालिका को दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, स्थानीय प्रतिभाओं को एक मौका और रोजगार के अवसरों के सृजन का हवाला देते हुए आसपास के जनपदों में प्रदर्शनी आयोजन की अनुमति की बात भी कही गई है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और डीएम सुनील कुमार वर्मा को इस आशय का ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री योगेश्वर पांडे ने कहा कि प्रदर्शनी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्थानीय प्रतिभाओं और स्थानीय कामगारों के लिए रोजगार के अनेक अवसर का सृजन करती है। जनपद के अनेक शहीदों व सैनिकों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। प्रदर्शनी ऐसा मंच है जहां इन शहीदों और सेनानियों को श्रद्धा से याद किया जाता है। परिषद के जिला अध्यक्ष शिव प्रकाश शुक्ला ने कहा कि प्रदर्शनी ऐतिहासिक व लोक परंपराओं की विरासत सहेजती है। बीते करीब 7 दशक से ये जनपद शरदोत्सव प्रदर्शनी एवं मेले के जरिए इस विरासत को कायम रखे हैं। नगरपालिका परिषद औरैया इस मेले में आयोजन करती है। अब पूरे देश में सांस्कृतिक आयोजनों की छूट शासन द्वारा दे दी गई है। समीपस्थ जनपदों में प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी तानू ने कहा कि पास के जनपद इटावा में कुछ दिनों पहले प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जा चुका है और डीएम महोदय से अपेक्षा की गई है कि जनहित में पालिका को इस आयोजित हेतु अनुमति दी जाए, जिससे जनपद लोग लाभान्वित हो सके। मालूम हो कि इससे पहले जिला बार एसोसिएशन, भारत प्रेरणा मंच, पूर्व सैनिक कल्याण समिति, व्यापार मंडल, भारत विकास परिषद आदि संस्थाएं भी ज्ञापन देकर अनुमति दिए जाने की मांग जिलाधिकारी से कर चुकी हैं। चौराचौरी शताब्दी समारोह में प्रभारी मंत्री जयकुमार सिंह जैकी ने संज्ञान में भी यह भी बात लाई थी कि और मंत्री जी ने जिलाधिकारी से कार्यवाही करने को कहा था, इसके बावजूद जिला प्रशासन सिर्फ आश्वासन ही दे रहा है। जनपद वासियों का कहना है कि परंपरा अनुसार यह आयोजन शरदकाल में ही होता है। प्रशासन की टाल मटोल से चलते शरद ऋतु का समय निकल रहा है। जिलाधिकारी से तत्काल नगरपालिका को आयोजन की अनुमति देने की मांग जनपद वासियों ने की है।